अच्छा जी, मेरा नाम डॉक्टर सैफ है। आज लेक्चर मैं दूंगा और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसकी कंप्लीट हम पहले एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, जितनी एनाटॉमी हमें चाहिए, फिर उसके बाद इसकी फिजियो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसकी पैथोलॉजी और जितना इसमें सर्जिकल और बेड इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा वो भी मैं इसके अंदर सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो बेशक अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या माइक ऑन कर सकते हैं। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? अच्छा जी, पहले हम इसकी डिस्कस करेंगे नॉर्मल एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या पैराथायराइड ग्लैंड की, फिर उसके बाद मैं आपको उसकी ना कंप्लीट फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा, जितने उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होंगे वो ना आप अपनी बुक पे लिख लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले आपने जब पैराथायराइड हार्मोन को डिस्कस करना है ना, आपको इसकी ना लोकेशन पता होनी चाहिए किधर है और कितने नंबर ग्लैंड होते हैं, कितने टोटल ग्लैंड होते हैं, ठीक है? बेसिकली ना चार पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं? चार ग्लैंड होते हैं, ठीक है? दो हमारे पास सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं और दो इनफीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? कितने ग्लैंड होते हैं? चार ग्लैंड होते हैं, दो सुपीरियरली होते हैं और दो इनफीरियरली होते हैं। अगर तो पूछा है कि जो दो सुपीरियरली होते हैं इनकी ब्लड सप्लाई क्या है, तो आपने बताना सुपीरियर थायराइड आर्टरीज को क्या करती है? सप्लाई करती है, ठीक है? ये इसकी क्या है? ब्लड सप्लाई। अगर पूछा जाए इनफीरियरली क्या इसकी ब्लड सप्लाई है, तो आपने बताना जी इनफीरियर थायराइड आर्टरीज को क्या करती है? सप्लाई करती है। ये इसकी नॉर्मल क्या ब्लड सप्लाई है। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्योंकि अभी जब हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी मैंने आपको ये ब्लड सप्लाई क्यों बताई, ठीक है? ये इसका है नॉर्मल क्या है इसकी ब्लड सप्लाई, जो आपने याद रखनी है। चार टोटल होते हैं, दो सुपीरियरली होते हैं और दो इनफीरियरली होते हैं, ठीक है? अगर पूछा जाए तो बताना है जी दो पेयर होते हैं, ठीक है? ये आपको इन्होंने यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ, ये देखें, एक ये है स्पेसिफिकली, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। टोटल कितने हो गए? चार पैराथायराइड ग्लैंड हो गए, ठीक है? ये इसकी क्या है? नॉर्मल एनाटॉमी। अब बात करते हैं इसकी किसकी फिजियोलॉजी की, किसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड हमें क्यों चाहिए, ठीक है? बेसिकली नॉर्मल इसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो काम होता है ना, इसने ना कैल्शियम की बॉडी में क्या करनी होती है? रीअब्सॉर्प्शन करनी होती है और फॉस्फेट की क्या करनी होती है? इसने एक्सक्रीशन करनी होती है बॉडी से, ठीक है? फॉस्फेट को क्या करना होता है? इसने एक्सक्रीट करना होता है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ किडनी। किडनी और पैराथायराइड ग्लैंड क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ साथ क्या करते हैं? काम करते होते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? मैंने अभी आपको क्या बताया कि कैल्शियम के लिए एब्जॉर्प्शन करनी होती है और इसमें फॉस्फेट की क्या करनी होती है? एक्सक्रीशन करनी होती है, ठीक है? ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। बेसिकली हमारे पैराथायराइड ग्लैंड पे ना हमारे कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कैल्शियम को क्या करते हैं? सेंस करते हैं बॉडी में, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा, ये पैराथायराइड ग्लैंड को बताएगा जी मेरे अंदर पहले ही कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, तो आप अपना लेवल कम कर दें, ठीक है? इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, ठीक है? नॉर्मली अगर फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का लेवल क्या है उसके अंदर कम है, जब उसके अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम होगा ना, तो इस पेशेंट के अंदर हमारा पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा इस पेशेंट के अंदर रिलीज होगा, ठीक है? क्या मैंने आपको बताया कि हमारे पैराथायराइड ग्लैंड पे कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? जब भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है वो विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अपना लेवल डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या है? डिक्रीज है, तो वो अपना पैराथायराइड हार्मोन लेवल इंक्रीज कर लेगा, ठीक है? ये इसकी क्या नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। अब देखें हमारा पैराथायराइड हार्मोन कैसे एक्ट करता है और कैल्शियम के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल पैराथायराइड पे जाके डिस्टल कोनिवोलेटेड ट्यूबुल पे जाके क्या करना है? कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा बॉडी में क्या करना है? रीअब्सॉर्ब करना है, और फॉस्फेट की ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है? बॉडी से एक्सक्रीशन करनी है, ठीक है? नॉर्मल फंक्शन इसका यही है।
अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे पैराथायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, तो आपने बताना है जी मैग्नीशियम है, जो क्या करता है जाके पैराथायराइड हार्मोन को क्या है स्टिमुलेट करता है। अगर तो बिल्कुल थोड़ा अभी लेवल कम है मैग्नीशियम का बॉडी में, देखें बात सुन, अगर थोड़ा सा लेवल कम है तो वो क्या करेगा पैराथायराइड हार्मोन को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में मैग्नीशियम पड़ा होता है। लेकिन अगर सुवियर डेफिशिएंसी होगी किसकी मैग्नीशियम की होगी, तो वो क्या करेगा पैराथायराइड हार्मोन को भी क्या करेगा डिक्रीज कर देगा। इस केस में पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने आपको अभी क्या बताई कि अगर थोड़ा सा लेवल बॉडी में कम है मैग्नीशियम का, तो पैरा जो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म होगी वो रिलीज होगी और पैराथायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी, और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन करेगा, फास्फेट की क्या करेगा एक्सक्रीशन करेगा। ठीक है, अगर तो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का बहुत कम लेवल हो गया, ठीक है स्टोर्ड फॉर्म भी कम हो गया, तो जो इसको पैराथायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है वो तो स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा इसको, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा पैराथायराइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है पैराथायराइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज कर गया, क्या बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा रीअब्जॉर्ब होगा किडनी के डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से? डेफिनेटली वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फास्फेट की उस ज्यादा रिटेंशन। ठीक है, अब देखें अब पेशेंट के अंदर फास्फेट की रिटेंशन हो रही है, तो उस पेशेंट के अंदर हाइपर फास्फेटीमिया नहीं हो जाएगा, डेफिनेट उसके अंदर हाइपर फास्फेटीमिया भी हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर हम आगे इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।